पर्यायवाची क्या हुआ? लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या हुआ बताइए मेरे दोस्तों, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या हुआ? देखिए लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला होगा, रमा होगा, विष्णु सखा होगा। कौन सा होगा? विष्णु सखा या सता, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शानदार क्वेश्चन है, उसी हिसाब से क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्योहार, त्योहार का तत्सम रूप बताइए, त्योहार का तत्सम रूप बताइए, त्योहार का तत्सम रूप बताइए। तो त्योहार का तत्सम रूप होगा तिथि वार। क्या हुआ? तिथि वार। ये साथियों त्योहार तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है? तत्सम शब्द का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत भाषा में लिखे जाए, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। और तद्भव शब्द का मतलब होता है वह शब्द संस्कृत भाषा से निकलकर उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में बोला जाता है, हिंदी भाषा में लिखा जाता है। ये साथियों तद्भव शब्द होते हैं। थोड़े से अंतर होता है तत्सम में और तद्भव में। अगला बात करें पंडित का विलोम बताइए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। विलोम शब्द है या तद्भव तत्सम शब्द है? पंडित का विलोम बताइए, पंडित का विलोम बताइए। देखिए पंडित शब्द का विलोम बताएंगे तो ये होगा मूर्ख, पंडित का मूर्ख, पंडित का विलोम मूर्ख। अगला है चुलबुलापन, 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 चुलबुलापन में प्रत्यय बताइए, चुलबुलापन में प्रत्यय बताइए। देखिए चुलबुलापन में प्रत्यय आप कैसे याद करेंगे या कैसे निकालेंगे, इन्हीं की एक शानदार ट्रिक है या तरीका है। जैसे हमने खंड किए चुलबुलापन के, चुलबुलापन, तो चुलबुला प्लस पन बराबर चुलबुलापन। प्रत्यय हमेशा साधी शब्द के अंत में लगकर ही उसका अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के पीछे जोड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसी को प्रत्यय कहते हैं। ऐसे यहाँ पर चुलबुला में पन जोड़ दिया, चुलबुला में पन जोड़ दिया तो बन गया चुलबुलापन। तो आपसे चुलबुलापन में प्रत्यय पूछा है तो बता देंगे पन होगा। क्या हुआ? पन। यदि आपसे पूछ ले उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा बताइए, उपसर्ग की परिभाषा बताइए, तो मेरे दोस्तों उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी? किसी शब्द के आगे जुड़कर, किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें। क्या करते हैं? उसका अर्थ बदल दें। जैसे जन्म, क्या करते हैं? जन्म, जन्म में आ जोड़ दें, जन्म में क्या जोड़ दें आगे? आ प्लस जन्म बराबर आ जन्म, मतलब जीवन भर। यहाँ पर तो जन्म की बात हो रही है परंतु यहाँ पर जन्म अभी की बात हो रही है। आ जोड़ते ही इसका बदल गया अर्थ, हो गया आजीवन, आ जन्म, जीवन भर। जैसे बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुशासन, दुशासन का संधि विच्छेद बताइए, दुशासन का संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। देखिए दुशासन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों? दुह या दुशासन, 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 यही होगा दुशासन शासन बराबर दुशासन। आपसे बोल दे या ऑप्शन होगा दोह धन शासन, ये क्या होगा साथियों? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर स है ना आता, जो सीटी भाषा आता है उसको हम आधे में रूप में परिवर्तन करेंगे, वो होता है व्यंजन। तो ऐसे ही नहीं होगा मेरे दोस्तों, दुशासन होगा, दुशासन शासन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है दाल रोटी, दाल और रोटी में समास बताइए, दाल और रोटी में समास बताइए। देखिए वही क्वेश्चन करा रहा हूं, उसी टॉपिक से क्वेश्चन हो रहे हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। जैसे विलोम है, तत्सम तद्भव है, रस है, पर्यायवाची है, संधि विच्छेद है, समास है, अलंकार है। देखिए साथी यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपकी परीक्षा में, तो आप तैयारी करते रहिए। आपसे पूछा है कि दाल रोटी में समास बताइए। देखिए समास हमारे 5 प्रकार से होते हैं और दाल रोटी, दाल रोटी कह लो या दाल डैश रोटी कह लो, दाल डैश रोटी कह लो। देखिए समास दाल रोटी में समास होगा होगा मेरे को तो दूसरा ढंग साथ में होगा, दूसरा ढंग साथ में होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दाल रोटी, दाल और रोटी में समास बताइए, दाल और रोटी में समास बताइए। देखिए वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसी टॉपिक से क्वेश्चन हो रहे हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। जैसे विलोम है, तत्सम तद्भव है, रस है, पर्यायवाची है, संधि विच्छेद है, समास है, अलंकार है। लेकिन साथ ही यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपकी परीक्षा में, तो आप तैयारी करते रहिए। आपसे पूछा है कि दाल रोटी में समास बताइए। देखिए समास हमारे 5 प्रकार से होते हैं और दाल रोटी, दाल रोटी कह लो या दाल डैश रोटी कह लो, दाल डैश रोटी कह लो। देखिए समास दाल रोटी में समास होगा द्वंद्व समास, कैसा समास होगा द्वंद्व समास। इसकी पहचान कैसे करेंगे भैया, इसकी पहचान ये होगी कि दोनों शब्द अपने आप में प्रधान होते हैं, दोनों शब्द अपने आप में मुख्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, मुख्य होते हैं, इनका कोई क्लब सहयोगी या इनका कोई चर्चा धर्म नहीं होता, ये खुद ही होते हैं ऐसे समझ लो। ठीक है, दाल और रोटी, दाल अपने आप में प्रधान है और रोटी अपने आप में भी प्रधान है, इनके बीच में शादी हो दाल डैश रोटी होगा। इसका मतलब पूछ लेता है जैसे दिन और रात, जैसे पूछ ले दिन और रात और दिन रात के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है ऐसे पूछ लेगा। साथ ही परीक्षा में आया था कि इसके इस चिन्ह का नाम बताइए, तो इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। आपसे पूछ लेगा कि द्वंद्व समास में कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आप कह देना योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथ ही चिन्हों के बारे में एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे मुख्य मुख्य चिन्ह लेके। देखिए इनकी पहचान और क्या होगी, इनकी पहचान ये होगी या भैया विपरीत होती है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं विपरीत होते हैं, ये आपस में द्वंद्व समास होते हैं ना, ये विपरीत होते हैं। जैसे सुख और दुख, ऊपर नीचे, ठीक है, सुबह शाम, ऐसे शब्द आप सुन के आओगे द्वंद्व समास हमेशा विपरीत पाए जाएंगे। आपकी यह मोटी मोटी पहचान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी रचना है, विनय पत्रिका किसकी रचना है, विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो मेरे दोस्तों विनय पत्रिका तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोहा में कितने चरण होते हैं, दोहा में कितने चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं। मेरे दोस्तों दोहा में कितने चरण होंगे, दोहा में मात्राओं की संख्या बताइए, दोहे में पहले और तीसरे वर्ग में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहे के दूसरे और तीसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं कई बार पुलिस के एग्जामों में। ये साथियों जो अभ्यास पेपर चल रहा है ये पुलिस के माध्यम से चल रहा है, पुलिस के हिसाब से चल रहा है। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को दबाकर शेयर करें और यदि आप चैनल पर नहीं जुड़े हो तो मेरे दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोहा में चरणों की संख्या 4 होती है, पहला और तीसरा चरण विषम होते हैं, कैसे होते हैं विषम चरण होते हैं, और दूसरा चौथा चरण सम होता है, कैसा होता है सम होता है। इसकी मात्रा बात कर लें 13-11 होती है और इसमें 13-11 होती है, ठीक है। दोहे में कुल मात्राओं की संख्या 24 होती है, ये भी ध्यान रखना है। पहले तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं, कुल मिलाकर 24 मात्राएं, 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बताइए, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या। तो दोस्तों याद रखना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चौपाई के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं,
ये भी ध्यान रखना है। आपसे ये नहीं पूछेगा सिर्फ मात्राएं पूछेगा, कितनी मात्रा होती है, 16 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की अभी रचना है, परंतु ये हाईलाइटेड रचना है। कैसे रचना है, हाईलाइटेड रचना है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए फल मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनयनी। तो साथ ही इसमें पूछ रहा आपसे कौन सा रस होगा, इसमें कौन सा रस होगा, ठीक है। एक अब मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता और मृगनयनी। तो साथियों रसों की आपने बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ भावनाएं उत्पन्न हो रही होंगी। यदि आप इस लाइन को पढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर कुछ न कुछ भावनाएं पैदा हो रही होंगी। दोबारा पढ़ेंगे, एक फल मृग मधुबल श्रेणी तुम देखी सीता मर नैनी। मतलब यहाँ पर साथियों तो वियोग याद की बातें हो रही हैं, किसकी बातें हो रही हैं, याद की बातें हो रही हैं। तो साथियों रसों की बारे